Hello friends, welcome back to my channel. I hope all are doing good and safe. तो आज मेरे ब्लॉग में आपको दिखाने जा रही हूँ एक फिश जो बीमार है उसको दूसरे सारे फिश कैसे हेल्प करते हैं. तो चलिए दिखाती हूँ. ये मेरा फिश टैंक है. फिश टैंक के अंदर एक फिश देखो उसका तबीयत खराब हो गया. पंप के नीचे जाके छुपा है. 3 दिन से ऐसे हो रहा है. पता नहीं आज उसका तबीयत और ज़्यादा ही खराब हो गया. वो तैर भी नहीं रहा है. एकदम वो पंप के नीचे जाके गिर के पड़ा है. नहीं तो यहाँ पे आके स्टोन के ऊपर गिर के पड़ता है. और दूसरे फिश जो है उसके साथ ही उसको देखिए कैसे हेल्प कर रहे हैं तैरने के लिए. वो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है. देखिए और एक फिश उसके पास है उसको लेके आने के लिए. देखिए अभी यहीं पे तैर रहा था वो तो. कहाँ है ये? यहाँ पे देखो उसके अंदर जाके इसे गिर के पड़ा है. देखो पता नहीं उसका तबीयत कैसे खराब हो गया. और उसका जो दूसरा फिश है ना उसको हेल्प कर रहे हैं. देखो उसको वहाँ से लेके देखो और एक फिश गया ना. देखो उसको लेके आए. देखो देखो उसको कैसे हेल्प करते हैं. देखो वही उल्टा क्यों? वो उनके फ्रेंड्स है ना. उसका बच्चा है. हाँ बच्चा नहीं है उनका फ्रेंड्स है. देखो वो स्विम नहीं कर पा रहे. मम्मी ब्रदर सिस्टर और बेबी है. ओ देखो वो फिर से पंप के अंदर घुस गया ना. फिर से और फिश. देखो फिर से एक फिश गया उसको फिर से लेके आए. देखो अभी दो टू फिश गए. ठीक है उसको फिर से लेके आए. वो आ गया फिर से घुस गया. देखो देखो और फिश फिर से जाएगा. देखो फिर से उसको लेके आए. देखो और फिश से जाएगा. देखो फिर से उसको लेके आए. देखो देखो फिर से और एक फिश गया उसको लेके आने के लिए. तो देखा आपने यहाँ पे ये फिश कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं. भगवान ने ना हर किसी को फीलिंग्स दिया हुआ है. हम तो भाई इंसान हैं. हमारे पास फीलिंग के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस भी है. तो हम भी 2 कदम आगे बढ़ाएं और हर ज़रूरत के पास खड़े रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.